देश में एक तरफ अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान है, दूसरी तरफ काशी मथुरा का नारा भी बुलंद हो रहा है। इस सब के बीच देश के तीन शहरों में माहौल गर्म है। ज्ञानवापी के साथ साथ अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी किचकिच शुरू हो गई है। अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। मथुरा में शाही ईदगाह की जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल या तेजो महल। देश में इन दिनों मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में मंदिर और मस्जिद से जुड़ा विवाद कोई नया नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुई। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने से एक साल पहले मार्च 2018 में उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने उन विवादित मस्जिदों के स्थलों को हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का आरोप है। रिजवी ने जिन विवादित मस्जिदों का जिक्र किया था उनमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, गुजरात के पाटन में जामी मस्जिद, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल के पांडुआ में अदीना मस्जिद, मध्य प्रदेश के विदिशा में वीजा मंडल मस्जिद और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद शामिल है।